हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V30 5G फ़ोन है, तो वीवो V30 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो V30 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर पाएंगे वीवो V30 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और फ़ोन हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं वीवो V30 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। तो आइकन शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, और क्लिक करते ही सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। फिर स्लाइड करते हुए आपको अबाउट फ़ोन पे जाना है, वर्जन पे जाना है यहाँ से, और यहाँ से बिल्ड नंबर्स को 3 से 4 बार टैप करना है। डेवलपर ऑप्शन से आपके फ़ोन में ऑन हो जाएगा, जिसमें से आपको जाना होगा बैक करते हुए सिस्टम पे। सिस्टम पे जाकर डेवलपर ऑप्शंस पे चले जाना है, जहाँ से फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से फ़ोन हैंगिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो एनिमेशन स्केल सेटिंग्स आ गए, स्केल्स को ऑफ कर देना है कुछ इस तरीके से। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल भी ऑफ कर देना है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, जिसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपकी जो भी एनिमेशन स्केल है, स्पीड है, बढ़ जाएगी। और साथ में ही देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो प्रोसेस लिमिट जो होती है फ़ोन की बैकग्राउंड की, उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और बंद करने के बाद आपकी जो भी फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी, जो आपका फ़ोन है बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो V30 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।